বড় অস্ত্র বলে খুব কাঁচা করে গেছে। प्लान बना हमारा जमशेदपुर और घाटशिला का, चूँकि घाटशिला मेरा होम टाउन है, तो मैं सोचा कि अभी लॉकडाउन के बाद मीन्स ये जो अभी एंट्री पास वास का चक्कर ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, बट फिर भी एंट्री पास बनाना पड़ा है हम लोगों को। हम लोग अपने सेफ्टी के लिए बना के रखे हैं, बिकॉज जमशेदपुर जाना है और वहाँ जमशेदपुर जिस होटल में हम लोग रुकेंगे उनका सजेशन था कि आप एंट्री पास बना के आइए। कोविड टेस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है रास्ते में ये नहीं पता, बल्कि इससे पहले जब मैं गया था करीब लास्ट वीक मैं गया था हजारीबाग, तो उस वक्त मेरे को कोविड टेस्ट करवाना पड़ा था। वो एंट्री के वक्त ही धनबाद जब एंटर हो रहे थे उसी वक्त टेस्ट हुआ हमारा, और वैसा कुछ मेरे को लगा नहीं कि हाँ चेकिंग वेकिंग बहुत ज़्यादा है। तो ठीक है, आज निकले हैं, आज निकल के अब देखें जमशेदपुर वाले रास्ते में चिचड़ा गेट जो एंट्री है झारखंड का, वहाँ पे क्या सिस्टम है और क्या वो करते हैं। वेदर आज का बहुत ही बढ़िया है, सुबह सुबह हल्की हल्की बारिश हुई, बहुत ज़्यादा गर्मी वैसा नहीं अभी लग रहा है, और आई होप अगर ऐसा वेदर रहा तो खूबसूरत और लगेगा जमशेदपुर, बिकॉज वो हिल स्टेशन और जंगल वाला एरिया है जो कि ऐसे ही मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, और साथ में अपने घर भी घूम लेंगे। तो अब चलिए मिलते हैं आपसे आगे। स्टार्ट किए थे हम लोग घर से करीब 4:30 हो रहा था, अराउंड 4:30 बजे निकल गए थे घर से, और अभी 6:30 हो रहा है, पहुंच गए हैं कोलाघाट। सिरे पंजाब में थोड़ा चाय नाश्ता करके फिर यहाँ से हम लोग निकलेंगे घाटशिला, और घाटशिला के बाद जमशेदपुर दलमा पहाड़। तो चाय वाय के बाद मिलते हैं आपसे। यहाँ भी थोड़ा वेट कर रहे हैं हम लोग कौशिकदा के लिए। कौशिकदा आप लोगों को याद ही होगा कि हमारा इससे पहले वाले ट्रिप में उनसे मुलाकात हुआ था हमारा, तो ये ट्रिप उनके साथ ही हो रहा है हमारा। तो हम लोग थोड़ा आगे निकल गए, और जब कभी भी कोई ग्रुप टूर होता है तो जब तक पूरा ग्रुप एक साथ नहीं हो तो वो मज़ा नहीं आता है। तो अभी उनका फ़ोन आया था, वो खड़गपुर क्रॉस किए हैं, तो यहाँ से और आधा घंटा उनको लगेगा, तो आधा घंटा वेट करें उनके लिए, और वेट करके जब वो आ जाएंगे तो फिर एक साथ हम लोग निकलेंगे। जितने भी मेरे स्कूल फ्रेंड हैं ये ट्रिप खासकर घाटशिला, मैं उन लोगों के लिए खासकर ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि बहुत लोग यहाँ आ नहीं पाए, और बहुत दिन हो गया है घाटशिला और अपना जो होम टाउन है उसको छोड़े हुए, तो शायद कुछ उनको ऐसा लगे कि हाँ वो पुराना दिन उनको फिर से याद आ जाए हमारा ट्रिप देख के। तो स्कूल फ्रेंड्स के लिए स्पेशली घाटशिला का ट्रिप, अब देखो और कमेंट करना, और अगर किसी को नया उसमें कुछ लगता है कि हाँ ये पहले कैसा था अभी कैसा हुआ तो कमेंट करके ज़रूर बताना।
तो चलो एंजॉय करो ट्रिप मेरे साथ। কৌশিকদা পৌঁছ গে বস অব নিকলনা হ্যাঁ ডাইরেক্ট ডলমা কে লিয়ে তো ইহা সে চার ঘন্টা লগে গা তো বাকি চার ঘন্টা আপ রই হম লোকের সাথে কি করবো ঘুমিয়ে পড়েছিলাম কালকে পুজো গেছে না বাড়িতে নারায়ণ পুজো গেছে ঝাড়খণ্ড এন্ট্রি কে লিয়ে চিচড়া গেট মে এক চেকিং হো রা হ্যায় জো ই পাস আপকো বানা কে লানা হ্যায় তো ই পাস और झारखंड गवर्नमेंट के वेबसाइट का लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ही पास बन जाएगा। बहुत बेसिक सा फॉर्म है एक, वो आपको सबमिट करना है, संग संग पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा और वो ई पास आपको लगेगा चिचड़ा जो एंट्री गेट है यहाँ पे झारखंड, जब एंटर कीजिएगा तो चिचड़ा वाले एंट्री गेट पर आपसे वो डिटेल्स थोड़ा सा पूछेंगे, ई पास का नंबर, कितने लोग हैं और किसी एक का कॉन्टैक्ट डिटेल्स, तो वो सिर्फ दिखा के आपको एंट्री मिल जाएगा। एज सच कोरोना का कोई टेस्ट वेस्ट अभी यहाँ पे नहीं हो रहा है, जैसा मैं हजारीबाग वाले में बताया था कि हजारीबाग जाते वक्त हम लोगों का टेस्ट भी हुआ था, तो यहाँ पे वैसा कोई टेस्ट नहीं है, तो आराम से आप झारखंड में भी एंटर कर सकते हैं। और एक अपडेट है, सिक्किम में भी एंट्री अभी शुरू हो गया है, सिक्किम एंड दार्जिलिंग, मैं दोनों जगह बात किया, तो सिक्किम एंड दार्जिलिंग भी जो लोग जाना चाहते हैं, अगर आपका कोई ट्रैवल एजेंट है या अकेले जाना चाहते हैं तो आप आराम से घूम सकते हैं। और अगर किसी को सिक्किम और दार्जिलिंग के लिए कोई कांटेक्ट चाहिए तो आप कमेंट कीजिए मेरे को, मैं शेयर कर दूंगा नंबर उनका। तो प्लान कीजिए, घूमिए, दुर्गा पूजा आ ही रहा है। कहावत जो है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, वो कहावत आज मेरे लिए प्रूफ हो रहा है 100%, क्योंकि जन्म यहीं का, बचपन गुजरा यहीं और करीब क्लास 12 तक मैं यहीं पे था। उसके बाद फिर हायर एजुकेशन के लिए कोलकाता गया और अब कोलकाता का हो गया और आज ये जगह मेरे को इतना खूबसूरत लग रहा है, और सच्चाई भी है कि खूबसूरती है इस जगह में। पहले इस रास्ते पे मतलब हजारों बार आना जाना होता था हमारा, और ऐसे ही आगे कभी जमशेदपुर जा रहे घूमने के लिए, कभी बाइक सर्विसिंग कराने, तो उस वक्त ऐसे नज़र से नहीं देखते थे कि हाँ कोई टूरिस्ट है या घूमने आया है। और हम लोगों को मतलब आपस में दोस्त भी जो थे हम लोग डिस्कस करते थे कि यार घाटशिला जमशेदपुर क्या देखने आते हैं लोग यहाँ पे, और आज खुद आके ये समझ में आ रहा कि हाँ
कुछ तो है जो देखने आते थे यहाँ पे, तो रियली बहुत खूबसूरत जगह है ये, और पहाड़ जिसको पसंद है उसके लिए तो मतलब कुछ बोलना ही नहीं। पूरा अभी राइट साइड का व्यू अगर आपको दिखा होगा तो आप समझ पाओगे कि एकदम राइट साइड में पहाड़ और पहाड़ से लग के ये रास्ता। शायद ये डिमना चौक होगा, डिमना हम लोग जाएंगे यहाँ से अभी। डिमना मोड़ से राइट जाके डिमना लेक मिलेगा हम लोगों को। ये देखो ये पहाड़ देखो एकदम हटा हुआ। सबसे मजा आएगा यहाँ पे ठंडे में, माने विंटर में यहाँ पे आओ और विंटर ही बेस्ट टाइम है। अगर जमशेदपुर घाटशिला का प्लान कोई भी करे तो विंटर बेस्ट टाइम है, बहुत ठंड होता है यहाँ पे। और ये कल हम लोग जब आज रात यहाँ पे हैं, कल हम लोग घाटशिला के लिए निकलेंगे, तो घाटशिला के लिए कल का जो हमारा रूट होगा वो होगा जमशेदपुर के अंदर से नरवा, जादूगोड़ा, राखा माइंस होते हुए हम लोग घाटशिला की ओर जाएंगे। तो ये रास्ता जैसा मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे ट्रैफिक है, वो रास्ता एक अलग ही खूबसूरती है उस रास्ते का। अभी हाल फिलहाल अगर कोई गया होगा तो उसको समझ में आएगा कि रास्ता और दोनों साइड जंगल, तो कल वो रास्ता देखने को मिलेगा आपको। और ये देखो पहाड़। चुके दालमा, अब यहाँ से अराउंड 6-7 किलोमीटर और ऊपर जाना होगा हम लोगों को। ये पूरा टॉप पे ही है, पहाड़ पे ही है, तो वही है हमारा ये दालमा वाइल्ड लाइफ रिसोर्ट। तो एक गाड़ी ऑलरेडी हमारा निकल गया है। No one in the world needs an elephant. Just but an elephant. ये पूरा एलिफेंट रेंज है दलमा का। कहाँ गए? I'm gonna follow my way. I don't know your intention.
कुछ चेकिंग वेकिंग चल रहा है अंदर, जिसके लिए हम लोगों को एंट्री अभी नहीं मिला है, तो गेट के बाहर खड़े हैं। तो थोड़ा सा जंगल के अंदर घुस के देख ले, ये पूरा ये रहा दलमा पहाड़। ये पूरा पीछे जंगल, বড় অস্ত্র করে খুব কাছে করে গেছে। ये क्या था नहीं पता, अगर किसी को पता हो कि ये इंसेक्ट का नाम क्या है तो एक बार कमेंट करके बताइएगा, बट है अच्छा, का एक खूबसूरत है देखने में। এদের একটা প্রজাতি গ্রাস উপর হতে পারে, এটা অন্য একটা মানে ওয়াইল্ড হবে, কি করে বের করলে? আরে ওই তো গুগল গুগল বলে দে, গুগলের কাজ কি আর সব বলে দেবে, তুমি শুধু দিয়ে চলো চলো তাহলে আমাদের ঘুরে আসি। এখন তোমার ছবি তুলে দিলে আমি যাই, দেখো কি নাম দিতে পারে আমি বলতে পারি, এটাই বলতে হবে, আমি আমি বলে দিই। तो गेट खुलने में लेट है अभी, चलो चलो बेटा घूरे आस्ते बोल। तो प्लान में थोड़ा चेंज, हम लोग चले चांडिल डैम, क्योंकि जब तक ये गेट खुलेगा तो उससे बढ़िया है कि हम लोग चांडिल डैम तब तक घूम के आ जाए, समय का सही उपयोग। तो चलिए चांडिल डैम चलते हैं।